गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ भी होंगे, सुरक्षित भी होंगे और स्वयं का बचाव करते हुए घर से आप सभी लोग नित्य प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास आप अटेंड कर रहे हैं। आज हम आप सभी के डिमांड पे एक नया टॉपिक लेके आए हैं, राजस्थान ज्योग्राफी और सामान्य ज्ञान जीके की बात की जाए तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं और जीके में ज्योग्राफी का जो वेटेज है, जो योगदान है, यदि टोटल पर्सनों की बात की जाए तो 30 से 40% या 45% जो योगदान रहता है वो ज्योग्राफी का रहता है। और ज्योग्राफी में भी पर्टिकुलर राजस्थान लेवल की एग्जाम की यदि बात की जाती है, आरएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, पटवारी या उसके साथ सामान्य सिलेबस की भी यदि बात करें तो राजस्थान ज्योग्राफी एज ए अपने पाठ्यक्रम के रूप में भी और सामान्य ज्ञान या जीके के रूप में भी, तो अपन राजस्थान ज्योग्राफी का जो अध्ययन करेंगे वो दोनों दृष्टि से करेंगे कि आपका पाठ्यक्रम भी हो और उसके साथ आपका जो सामान्य ज्ञान है, जो जीके है, वो भी आपका सुदृढ़ हो। सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला जो टॉपिक है जहाँ से अपने को राजस्थान ज्योग्राफी की, राजस्थान के भूगोल की या राजस्थान जीके की अपने को शुरुआत करनी चाहिए, प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि जब तक बेस है वो क्लियर नहीं होगा, जब तक सामान्य जानकारी आपको उस क्षेत्र के बारे में नहीं होगी कि हम किसका अध्ययन करने जा रहे हैं, किसका हम अध्ययन कर रहे हैं और जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, इतिहास जो उसका है या जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है, भौगोलिक जो दशाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, तो किसी भी क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने से पहले सबसे मूलभूत जो आवश्यकता होती है, मूलभूत जो बात होती है या प्राथमिक जो जानकारी अपने पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए उसका ऐतिहासिक और भौगोलिक जो पृष्ठ रहा है, जो उसकी पृष्ठभूमि रही है, या अपन कह सकते हैं कि किसी भी स्थान विशेष का जो हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल जो बैकग्राउंड है, क्योंकि यदि अपन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में भी सामान्य सी यदि अपन बात करें तो किसी किसी व्यक्ति की यदि बारे में यदि अपने को जानना हो, जो आपका अननोन है और उसको आपके लिए जानना जरूरी है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं उसके साथ मित्रता बढ़ाने से पहले या उसके साथ संबंध आगे बढ़ाने से पहले आप उसकी जो पृष्ठभूमि होती है, उसका जो बैकग्राउंड होता है, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो व्यक्ति कैसा रहा होगा, कैसा उसका बिहेवियर है, क्या उसकी हैबिट्स हैं, क्या उसका पास्ट रहा है, कैसी उसकी कार्यशैली रही है, तो उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार राजस्थान की यदि अपन बात करते हैं तो राजस्थान की जो शुरुआत है, प्रारंभ है, वो अपन यहाँ की राजस्थान की ऐतिहासिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि से अपन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान जो प्रदेश है, जो राजस्थान प्रदेश है, जैसा आपको पता भी है और यहाँ अपन बात करें तो राजस्थान भारत का उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, यहाँ पे आप मानचित्र में भी दे सकते हैं, राजस्थान है वो भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग। अब उत्तरी पश्चिमी भाग, यहाँ पे एक छोटी सी बात आपके दिमाग में क्वेश्चन है वो खड़ा होता है, क्या क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि राजस्थान है वो भारत के कौन से भाग में है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, जीके के एग्जाम में भी आया हुआ है। अब कौन से भाग का यहाँ पे अर्थ लिया जाता है कि कौन सी दिशा में है, और दिशाओं की यदि अपन बात करते हैं तो भूगोल की दृष्टि से अपन 8 दिशाएं मानते हैं, भूगोल की दृष्टि से यदि अपन बात की जाए तो 8 दिशाएं होंगी, वो दिशाएं कौन सी होंगी, आप देखिए कि मानचित्र का सबसे ऊपरी भाग होता है, मानचित्र का सबसे ऊपरी जो भाग है वो कौन सी दिशा का माना जाता है, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा का माना जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि मानचित्र के सबसे ऊपरी भाग में क्या अंकित है, एन, जिसके नीचे एक एरो बना हुआ है, वो एरो किसको अंकित कर रहा है, उत्तर दिशा को अंकित कर रहा है। तो सबसे ऊपरी भाग यदि नॉर्थ का है तो सबसे नीचे का जो भाग है वो कौन सी दिशा का होगा, साउथ यानी दक्षिण का होगा।
तो ऊपरी जो भाग होगा मानचित्र का अध्ययन करते समय भी सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास यदि मानचित्र है और आपको मानचित्र में किसी क्षेत्र विशेष को खोजने के लिए यदि कहा जाए तो उसके लिए आपको क्या होनी चाहिए, दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भूगोल का यदि विद्यार्थी है तो उसके लिए दिशा का ज्ञान, क्योंकि पुराने समय में भी जब व्यक्ति विशेष या व्यापारियों के द्वारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल का जब आदान प्रदान किया जाता था या दिशाओं की जानकारी जब प्राप्त की जाती थी तो उससे दिशा की जानकारी प्राप्त करने के लिए उस समय ध्रुव तारे की सहायता ली जाती थी जो उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है। ऐसा माना जाता है कि ध्रुव जो तारा है वो सदैव उत्तर दिशा में उदय होता है और उसे ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा है वो निर्धारित की जाती थी, उसके अनुसार ध्रुव तारे की स्थिति से उत्तर दिशा का अनुमान लगाया जाता था। ये भी एक जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में उत्तर दिशा का निर्धारण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, किसकी सहायता से उत्तर दिशा निर्धारित की जाती थी, ध्रुव तारे की सहायता से। अब मानचित्र का जो आप अध्ययन कर रहे हैं वो मानचित्र आप सही अवलोकन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि मानचित्र का अध्ययन करते समय उसका उत्तरी जो भाग है जहाँ पे एन लिखा हुआ होता है, जहाँ पे एन लिखा हुआ होता है वो भाग सदैव ऊपर की ओर रखा जाएगा। ऊपर की ओर रखा जाएगा यानी ऊपरी जो भाग है वो कौन सी दिशा का होगा, उत्तर दिशा का होगा। यहाँ पे भी आप देख लीजिए भारत का मानचित्र आपके सामने है, यहाँ राजस्थान का मानचित्र, उसके ऊपरी भाग में एन लिखा हुआ है। अब आप मानचित्र का जब अध्ययन करेंगे तो ये एन आपके अवलोकन करते समय, मानचित्र का अध्ययन करते समय एन लिखा हुआ भाग है वो सदैव ऊपर की ओर रहेगा। तो ऊपरी जो भाग होगा मानचित्र का, सदैव ऊपरी जो भाग है वो कौन सी दिशा का होता है, उत्तर दिशा का। विमुख जो भाग होगा वो दक्षिण दिशा का। ये जो भाग होगा आपके, आप यदि मानचित्र के सामने खड़े हैं तो आपका राइट जो हैंड होगा, दाया जो हाथ है वो पूर्व दिशा को, और लेफ्ट जो हैंड है, बाया जो हाथ है वो कौन सी दिशा को प्रदर्शित करेगा, पश्चिम दिशा को। तो यहाँ पे एक बार के लिए अपन बात करें कि ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दिशाएं कितनी हो गई, चार हो गई, लेकिन यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि भूगोल की दृष्टि से आठ दिशाएं। अब जो क्षेत्र ना उत्तर में है ना पूर्व में है तो वो क्षेत्र किसका होगा, उत्तर पूर्व का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए जहाँ पे ये एरो बना हुआ है, मेरे माउस का एरो आपको दिखाई दे रहा है, जो एरो जहाँ पे क्लिक कर रहा है वो दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व। ये जो दिशा है वो कौन सी है, दक्षिण पूर्व। ये जो दिशा है वो कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। और ये जो दिशा है वो कौन सी है, उत्तर पश्चिम। अब यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था कि भारत राजस्थान की कौन सी दिशा में है, तो राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम, क्योंकि ना पूर्ण रूप से पश्चिम में है ना पूर्ण रूप से उत्तर में है। तो ये बीच का जो क्षेत्र है जो उत्तर और पश्चिम के मध्य में है तो वो भाग, वो पार्ट किसका होगा, उत्तर पश्चिम दिशा का होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो क्लियर होता है, क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जाता है, कई एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि भारत राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है, तो राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। दूसरी बात यहाँ पे अपन करें, राजस्थान जिस प्रदेश की अपन बात करें उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, राजस्थान है वो वर्तमान में जैसी स्थिति में है क्या, वैसे राजस्थान पूर्व में राजस्थान था, राजस्थान का जो इतिहास है वो क्या रहा है, राजस्थान जो शब्द है वो कैसे बना, राजस्थान इस उत्तरी पश्चिमी भाग जो मरुस्थली प्रदेश है, शुष्क भौतिक दशाओं का जो क्षेत्र है उसको राजस्थान कैसे कहा जाने लगा, उसको राजस्थान नाम है वो किसने दिया, राजस्थान नाम वो कब से इसका रखा गया, कब से प्रचलन में इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश को, शुष्क भौतिक प्रदेश को, भौगोलिक प्रदेश को राजस्थान शब्द के नाम से या राजस्थान के नाम से जाना गया। तो सबसे पौराणिक उल्लेख की यदि आप बात करते हैं तो सबसे पहला उल्लेख अपने को यहाँ पे प्राप्त होता है, जैसे आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि ऋग्वेद में जो ये भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग है जिसको वर्तमान में राजस्थान कहा जाता है, तो ऋग्वेद में इस क्षेत्र को, इस उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, ब्रह्मवर्त के नाम से।
ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ऋग्वेद में वर्तमान जो राजस्थान है उसको किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त के नाम से। यानी ये उत्तरी पश्चिमी भाग मरुस्थली प्रदेश क्या कहलाता था वर्तमान में, जिसको आप राजस्थान कह रहे हो, वर्तमान में जिसे आप राजस्थान के नाम से जानते हैं, वो क्षेत्र किसके रूप में है, वो क्षेत्र किसके रूप में था? ऋग्वेद काल, वैदिक काल की बात की जाए, जब से चार वेदों की अपन बात करें, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद, उसमें राजस्थान को किस नाम से जाना गया है? ब्रह्मवर्त के नाम से। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए वाल्मीकि रचित जो रामायण है उसमें भी भारत के इस उत्तरी पश्चिमी भाग का उल्लेख हुआ है। तो भारत के इस उत्तरी पश्चिमी भाग को